ओहो जल्दी हाथ चलाओ, तुम लोगों की अभी तक सफाई चल रही है, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, जल्दी करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड़की इतनी देर कर दी तुम लोगों ने, हाँ। उसे तैयार कौन करेगा, जाओ अपनी सहेली को तैयार कर जाओ। ओहो अरे माधव ये क्या किया है तुमने, अरे भाई उस फूलदान को बीच मत रखो, जरा किनारे पर रखो उधर। अरे लगता है वो लोग आ गए, तुम लोग जल्दी से चाय का इंतजाम करो, चलो जल्दी करो। नमस्ते बहन जी। नमस्कार भाई साहब। अश्विन बेटा जी, ये मेहता जी हैं। नमस्ते जी, खुश रहो बेटे। बेटा मेहता जी बहुत बड़े नामी गिरामी ज्योतिषी हैं। अच्छा, बस माता की कृपा है बहन जी, आइए आइए। हाँ जी हाँ जी, प्लीज आइए बहन जी, आइए आइए, प्लीज आइए, आओ बेटे आओ, कहिए बहन जी क्या लीजिएगा आप। जिसे हम लेने आए हैं उसे तो अभी तक देखा भी नहीं हमने। जी मैं समझ गया, मैं अभी पूजा बेटी को लेकर आता हूँ। जी बेटा। जी पूजा बहुत खूबसूरत है। हाँ माँ, मैं पूजा की तस्वीर देख चुका हूँ। आओ बेटी आजा आजा, आओ बेटे आओ बेटे। बहन जी ये है मेरी बेटी पूजा, और बेटी पूजा ये श्रीमती चौधरी हैं, और ये इनके बेटे हैं अश्विन। नमस्ते। नमस्ते जी, खुश रहो बेटी। और बहन जी ये पूजा की सहेलियां हैं पूनम एकता और किरण। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटी मेरे पास बैठो। जी बेटा। मेहता जी आपकी बेटी पूनम का चांद है। धन्यवाद बहन जी। अश्विन तुमने पूजा की तस्वीर तो देख ली, अब पूजा तुम्हारे सामने है। अंकल जी अगर आप इजाजत दें तो हम अश्विन जी से बात करके देखें। बेटे हाँ हाँ क्यों नहीं, देखने में तो अश्विन जी बड़े गंभीर लग रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा जरा सोबर है। अश्विन जी कुछ बोलते तो होंगे। जी हाँ जरूरत पड़ने पर बोलता भी हूँ। अब तुम लोगों को कुछ और पूछना है शायद। नहीं नहीं। बहन जी मेरा ख्याल है अगर ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहे तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप दोनों आपस में बात करो ना बेटा। बहन जी मेरी बेटी पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा पूजा बेटी अश्विन को अपनी पेंटिंग्स दिखाओ जाकर। जी आइए जाओ बेटा। आ बेटे चल चल। नहीं नहीं तुम लोग रुको। जी हाँ। अच्छा
अश्विन जी। जी। लगता है आपको मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। जी नहीं पूजा जी, आपकी पेंटिंग काफी अच्छी है। तो फिर क्या बात है, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। देखिए, हमारी ये मीटिंग एक दूसरे को पसंद करने के लिए रखी गई है। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो मुझे बता दीजिए, मैं भी कोई बहाना कर दूंगी। नहीं नहीं पूजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? आपकी इसी लगातार खामोशी ने मुझे उलझन में डाल दिया है। देखिए, ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। अक्सर ऐसा होता है, लोग माँ बाप के प्रेशर में आकर किसी से भी रिश्ते के लिए हाँ कर बैठते हैं और फिर उसका नतीजा पति पत्नी को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। पूजा जी, मेरी खामोशी की वजह ये नहीं है। पूजा जी, मेरी खामोशी की वजह कुछ और है। पूजा जी, दरअसल अरेंज मैरिज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें एक दूसरे के मिजाज, एक दूसरे के टेम्परामेंट, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और सच्चाई यह है पूजा जी के मैं इस शादी के लिए तैयार ही नहीं था। बिना मुझे देखे, बिना मुझसे मिले, बिना कोई बात किए, बिना जाने आपने ये फैसला कैसे कर दिया? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया पूजा जी। फैसला करने से पहले मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं पूजा जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बिना मैं अपने नए सफर की शुरुआत नहीं कर सकता। पूजा जी, मेरी उस खामोशी की वजह एक लड़की है, उसका नाम था छाया। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तो फिर आपने इस रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी? मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी कि आप प्यार किसी से करें और शादी किसी और से। अश्विन जी, मुझे ये बात पसंद नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूजा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ये बात पसंद नहीं है। पूजा जी, मैं और छाया कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मेरे लिए उसका प्यार दीवानगी की सारी हदों को पार कर चुका था। वो इतनी पॉजिटिव थी कि मुझे किसी लड़की के साथ तो क्या, किसी लड़की के स्टैचू के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और आप जानती हैं, इस वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता था। एक दिन तो छाया ने हद ही कर दी, मुझे अच्छी तरह से याद है। इट वॉज माई बर्थडे, मैं कॉलेज के कैंटीन में था। केक काटा जाए? स्वीटी, वो क्या अश्विन, कितना इंतजार करवाओगे सबको? काटो ना प्लीज स्वीटी, वो प्लीज अश्विन। हे फ्रेंड्स, कम ऑन, अश्विन केक काट रहा है। Come on. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday.
मैं खिलाऊंगी तुम्हें। हैप्पी बर्थडे अश्विन। थैंक यू। छाया वो छाया मेरी बात सुनो, शी इज माय फ्रेंड, दिस इज माय बॉडी टुडे, ओके? सुनो छाया, डोंट डू दिस, स्वीटी स्वीटी तुम जाओ यहाँ से, स्वीटी तुम जाओ यहाँ से, स्वीटी छाया प्लीज कूल डाउन, छाया मैं ही जानता हूं कि मैंने कितनी मुश्किल से छाया को काबू किया, और न पता नहीं उस दिन वो क्या कर बैठती। और मुझे वो दिन भी याद है छाया बेटी, अब तुम अश्विन को अंगूठी पहनाओ। तुमने तो मुझे अपनी सगाई की अंगूठी पहनाई है, लेकिन मैंने इस अंगूठी की शक्ल में अपनी आत्मा डाल दी है, जो तुम अपनी उंगली में पहने हो। अश्विन, आज के बाद तुम ऐसे बंधन में कैद हो गए हो जिसे तुम कभी आजाद नहीं हो सकते, ना ही मेरे जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। इतना प्यार करती थी वो आपसे, सगाई भी हो गई थी, इसके बावजूद ये रिश्ता टूट गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नसीब में जो होता है पूजा जी, वो होकर रहता है। एक दिन अचानक मेरी छाया मुझे छोड़कर चली गई। चली गई? मगर कहाँ? वहीं, जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। अश्विन जी, आई एम सॉरी, मुझे बेहद अफसोस है। बहुत दिनों तक मैं इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया पूजा जी,
मेरा तो सब कुछ लूट चुका था ना, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। छाया चली गई, बस एक गम खून की तरह मुझे खाए जा रहा था। फिर एक दिन मां ने और मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अश्विन, जिंदगी कोई झील का पानी तो नहीं जो एक जगह पर जाकर ठहर जाए। जिंदगी तो दरिया की रवानी है जो चलती रहती है। मां की बात सुनकर मैंने अपने आप से और हालात से समझौता कर लिया। और देखिए ना, यह महज इत्तेफाकी है कि मां ने जिस लड़की की पहली तस्वीर मुझे दिखाई वो आपकी थी। मैंने आपसे मिलना तय कर लिया, लेकिन मैंने यह भी फैसला कर लिया कि जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी मैं उसे सच नहीं छुपाऊंगा। अगर देखा जाए पूजा जी, तो मैं आपको बहुत ही खुदगर्ज किस्म का इंसान लगूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी उसे मेरी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। पूजा जी, मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। अगर आप चाहें तो आप इस रिश्ते से इनकार कर सकती हैं। जो कुछ भी मेरे दिल में था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे आपकी मर्जी है, आपका फैसला है। अश्विन जी, मैंने फैसला कर लिया। आपकी सच्चाई से मैं इतनी इंप्रेस हुई हूं कि मैंने आपके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जो लोग सच बोलते हैं वो कभी किसी दूसरे की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाते। वो उस खुशबू की तरह होते हैं जो जिंदगी के रास्तों को महका देती है। आपके दिल में प्यार के लिए बहुत जगह है और उस दिल में मैं भी अपने लिए जगह बना लूंगी। अब मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूं। जो तुम्हारा फैसला है पूजा, वही मेरा भी फैसला है। अश्विन जी। मॉम। अश्विन, ये कार्ड आ गए हैं, तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजने हैं, और ये काम तुम्ही को करना है। ओके मॉम। अश्विन जी। मैम, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। जी कहिए। तुमने ये अंगूठी अब तक नहीं उतारी।
बेटा इसे उतारना तो पड़ेगा ही ना। तुमने तो मुझे अपनी सगाई की अंगूठी पहनाई है, लेकिन मैंने इस अंगूठी की शक्ल में अपनी आत्मा डाल दी है, जो अब तुम अपनी उंगली में पहने हो। अश्विन, आज के बाद तुम ऐसे बंधन में कैद हो गए हो जिससे तुम कभी आजाद नहीं हो सकते, नहीं मेरे जीते जी और नहीं मेरे मरने के बाद। अश्विन, अश्विन। हाँ जी माँ। क्या हुआ बेटा? मैं मानती हूँ पूजा एक अच्छी लड़की है, समझदार है, लेकिन कल जब वो तुम्हें अंगूठी पहनाएगी तो फिर इस अंगूठी को। माँ, मैंने इसको निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन ये बहुत टाइट हो गई है, निकल नहीं रही है। लाओ मैं कोशिश करती हूँ। जी। क्या हुआ माँ? कुछ झटका सा लगा। ओके, डोंट वरी माँ, मैं इसे साबुन लगा निकाल लूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा।
Oh my God. अश्विन शर्मा जी को कार्ड मम्मी ये अरे क्या हो गया पता नहीं मम्मी ये स्याही इन कार्ड्स पे कैसे गिर गई मैंने तो बॉटल बंद करके यहाँ रखी थी अच्छा कोई बात नहीं मैं साफ कर देती हूँ कितनी खूबसूरत लग रही है ना और ये पहन के तो बहुत खूबसूरत लगेगी हाय क्या लग रही हो अनहोने होने से बच गई वरना कुछ भी हो सकता था तुझे कोटि कोटि प्रणाम माता मेरी बच्ची बच गई
ठीक हूँ। शुक्र है भगवान का, एक पूरी घड़ी चल गई। माँ, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा होगा, चले? पर बेटा तुम। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, I'm perfectly alright। चलो चलते हैं। चलो। चलो बेटा। चलो। यदस्य कर्मणो करीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरं अग्निष्टत्स्विष्टकृतविद्यात् सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहूते सर्वप्रायश्चित्ता हूतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय। कोई कांटा तो नहीं था? अब नहीं, वो मुझे कोई बात नहीं, इसे दोबारा पहना दो। नहीं श्रीमान जी, गिरी हुई माला अशुद्ध होती है, ये नहीं पहनाई जा सकती। ये लीजिए, दूसरी माला पहना दीजिए। जी पंडित जी। ओम स्वस्ते न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ते न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। सुमंगलिर्यं वधूः रिमां समेत पश्यतः सौभाग्यदत्वे यथा विपरेतनः। अब वरकन्या मंगल फेरे लेंगे। ओ मर्यमणं देवं कन्यायाग्निमयक्षत सनो अर्यमा प्रेतो मुञ्चतुमापते इमं नार्यमुपब्रुवते लाजानामावन्तिकः आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तं ज्ञातयो मम इमं लाजा वपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम चतुभ्यं संवननं तदग्निर्मन्यतामिवः। अब सिंदूर से मांग भरिए। ओम सुमंगलिर्यं वधुरिमां समेत पश्यत सौभाग्यदत्ते यथा विपरेतनः।
शर्म आ रही है। संभाल के संभाल के। नहीं तो जीजा जी हमें बहुत मारेंगे। हट बदमाश। आइए आइए जीजा जी, पूजा आपका इंतजार कर रही है, जाइए। अरे ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो सामने कौन है? मैं हूं अश्विन। कौन है वहां पर? मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी तुम मुझे। फिर मैंने तुम्हें रूबरू देखा तो मुझे और भी अच्छी लगी। और आज तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर मेरे पास बयान करने के लिए शब्द ही नहीं है। पूजा, इस घूंघट को उठाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखो, हम एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज मैं तुम्हें वचन देना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से हमेशा तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे जज्बातों को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा पूजा, कभी नहीं। पूजा चौधरी खानदान में तुम्हारा स्वागत है। मैं ये मिलन होने नहीं दूंगी। अश्विन माँ जी
डॉक्टर साहब कैसा है अश्विन? ही इज फाइन, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर हमने उसके सारे टेस्ट लिए हैं। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको कैसे समझाऊं, पता नहीं उस वक्त इन्हें क्या हो गया था। इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे इन्होंने बिजली का तार छू लिया हो। हो सकता है ये दिमागी थकान की वजह से हुआ हो, अदरवाइज मुझे तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। He's perfectly fine. भगवान का शुक्र है। डॉक्टर साहब क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी हाँ, लेकिन इस वक्त मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, वो सो रहा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे डिस्टर्ब ना करें। नहीं नहीं, हम बिल्कुल उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी। आओ बेटा, आओ। He's okay बेटा। तुम में से कोई भी जान नहीं पाएगा कि अश्विन को ये दौरा कैसे पड़ा। पिताजी लगता है आप सारी रात सोए नहीं। हाँ बेटे, मुझे बेटे मुझे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अश्विन की बेहोशी का कारण डॉक्टर्स को भी पता नहीं चला। पिताजी मुझे तो अश्विन की चिंता है, रस्म की वजह से मैं आपके साथ चली आई, लेकिन मेरा ध्यान तो अब भी वही है। एक बात पूछूं बेटी? जी कहिए। पूजा बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अश्विन को मिर्गी या दौरा पड़ने की कोई बीमारी हो और यह बात हमसे छुपाई गई हो? नहीं बेटे, ऐसी बातें अक्सर छुपाई जाती हैं। पिताजी हो सकता है आपकी ये बात किसी और के बारे में सच हो, लेकिन अश्विन के बारे में ये बात सच नहीं हो सकती। उन्होंने शादी से पहले मुझे अपनी जिंदगी की हर बात साफ साफ बता दी थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे छुपाते नहीं। पिताजी मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे नसीब में जो लिखा था वो मुझे मिल गया। अब अश्विन जैसे भी हैं मेरे हैं और मुझे उन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब हैं बेटा। अभी से उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया है कि बहू के कदम ऐसे पड़े हैं कि आते ही तुम्हें बीमार कर दिया। मॉम, अब अगर दोबारा ऐसी बातें आपके कानों में पड़े भी ना तो उन्हें अपने तक ही रखना, उनका जिक्र भी मेरे सामने मत करना। मॉम, पूजा ऐसी लड़की है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। उसने तो छाया की सारी कहानी जाने के बावजूद मुझसे शादी के लिए हां की। मॉम, जो लोग सच को पसंद करते हैं ना वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा इस बात को भूल जाओ। माँ जी आइए। नेता जी नमस्कार। बहन जी जीते रहो बेटे। खुश रहो बेटे। कैसी तबीयत है आपकी? जी पहले से बेहतर। क्या बात है, बहुत जल्दी मैं कैसे आ गई? इसे दामाद जी की चिंता जो लगी हुई थी। अच्छा
पिताजी। ये आवाज कैसी है? आवाज? कौन सी आवाज? हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या? जी पिताजी, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हो सकता है मेरा ये भ्रम हो। बहन जी, मुझे इजाजत दें। कुछ नाश्ता तो करके जाइए। जी नहीं, फिर कभी। बेटे, अपना और दामाद जी का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। मैं आपको छोड़ देती हूँ। पूजा, कल रात जो हादसा हुआ वो अब तक मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे अचानक क्या हो गया था। पूजा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि छाया ने मुझे आवाज दी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रही है। अश्विन, ये तो बहुत नेचुरल है। तुमने जिसे प्यार किया हो, जिसके लिए अपनी आंखों में प्यार के सपने सजाए हो, उसकी बजाय किसी और के साथ तुम्हारे फेरे हो जाएं। सुहागरात को कोई और लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही हो तो उस वक्त में ऐसे विचारों का आना बहुत ही नेचुरल है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास छाया की कोई तस्वीर है? पूजा, मैंने छाया की तस्वीर इस घर से और अपनी यादों से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दी है। पूजा, एक कॉन्वोकेशन की तस्वीर है मेरे पास। हाँ, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये है छाया। सचमुच छाया बहुत ही खूबसूरत थी। अश्विन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मगर एक बात जरूर कहूंगी, कुदरत ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। किस्मत ने तुमसे एक बहुत ही कीमती हीरा छीना है। पूजा, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसी बात तुम जैसी लड़की ही कह सकती है। यू नो व्हाट, यू आर अ रियल स्वीट हार्ट। या या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, तू तो अंतर्यामी है, मैं क्या कहने वाला हूं तू जानती है। आज मैं अपनी बेटी पूजा के घर गया था माता। उसके घर पर मुझे संकट की छाया दिखाई दी। उस घर में अवश्य कुछ है माता, और अश्विन की बीमारी भी अकारण नहीं है। हे माता, उन दोनों की रक्षा कर, उन दोनों की रक्षा करना माता।
आओ। थैंक यू। प्लेजर। मां सो गई? हाँ, लेकिन लगता है आज आपका रात भर जागने का इरादा है। मुझे कुछ जरूरी चेक्स पर साइन करने हैं, और जहां तक सोने की बात है तो आज मेरे सोने को इरादा नहीं है। कोई खास वजह? वजह है ना, और वो वजह यह है कि मैं आज तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूं पूजा। तुम्हें और अच्छी तरह से जानना चाहता हूं, एक ऐसे रास्ते की तलाश करना चाहता हूं जिस पर हम दोनों साथ मिलकर हम सफर की तरह चल सके। अश्विन, मैं आपकी जिंदगी में किसी यात्रा का कोई मोड़ नहीं हूं, ना ही मैं यहां पड़ाव की तरह आई हूं। मैं तो यहां रहने आई हूं, यहां ठहरने आई हूं, आपको जिंदगी की सारी खुशियां देने आई हूं। मुझे जितना मिलेगा उसे मैं माथे से लगाकर स्वीकार करूंगी। सिर्फ एक वहम हो, तुम सच नहीं हो। ये वहम नहीं, सच्चाई है, सच्चाई। अश्विन, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं पूजा, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं इसे कह रहा हूं। ये मेरे जहन को काबू में करना चाहती है। देखो देखो, तुम मेरा बीता हुआ कल हो। मेरे सामने से हट जाओ, मैं कहता हूं मेरे सामने से हट जाओ। अश्विन, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार हूँ जिसे तुम पार नहीं कर सकते। मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं पूजा, पूजा प्लीज मेरे पास आओ, इस वहम को असली रूप मत बने दो। पूजा मेरी मदद करो, प्लीज मेरे पास आओ पूजा। अश्विन, मैं आपके सामने ही तो खड़ी हूँ। हाँ हाँ पूजा, मेरे पास आ पूजा, मेरे पास आ पूजा, पूजा पूजा। पूजा मेरी मदद करो प्लीज, मेरे पास रहो पूजा। अश्विन, मैं यहीं पर हूँ। हाँ पूजा, हाँ पूजा पूजा। अश्विन 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 पूजा अश्विन अश्विन पूजा पूजा अश्विन अश्विन नहीं, माँ जी माँ जी अश्विन अश्विन बेटे, दरवाजा खोलो। अश्विन अश्विन बेटे, दरवाजा खोलो। अश्विन अश्विन मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात है जो कुछ भी इनके साथ हुआ हो, लेकिन इनकी हालत देखकर तो ऐसे लगता है जैसे 15-20 आदमियों ने मिलकर इन्हें बुरी तरह से मारा हो, और ये सब उसी कमरे में हुआ जहाँ पर सिर्फ आप दोनों थे। जी डॉक्टर, जब भी मेरे पास आ रहे थे तो अचानक रुक गए। ये एक आत्मा से बात कर रहे थे। आत्मा से? जी, शादी से पहले ये एक लड़की से प्यार करते थे, वो कार एक्सीडेंट में मर गई। ये कह रहे थे कि
वो हम दोनों के बीच में है, उसे जाने के लिए भी कहा, लेकिन हो सकता है आप जो कुछ कह रहे हैं मुमकिन हो, लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को मानती नहीं है और ना ही मैं डॉक्टर होने के नाते इस बात को मान सकता हूं। मगर ये सच है डॉक्टर, आपकी मेडिकल साइंस उस पर यकीन करे या न करे, आप इस पर यकीन करें या न करें, मगर ये सच है। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त तो सिर्फ आप ये बताइए कि इनकी तबीयत कैसी है। नथिंग सीरियस। इसका मतलब इनको हॉस्पिटल में रहना जरूरी नहीं है? जी नहीं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन मेहता जी, आप इत्मीनान रखिए बहन जी, दामाद जी का इलाज हॉस्पिटल में नहीं घर पर ही हो सकता है, और ये बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। मेहता जी, अब जैसा आप मुनासिब समझें, मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। घबराइए मत बहन जी, और मेरी एक बात और मानिए, जब तक मैं इसका कारण न जान जाऊं, ये अपने कमरे में नहीं रहेंगे, आपके कमरे में रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम इन्हें कब ले जा सकते हैं? He's perfectly fine. आप उसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। पूजा बेटी, दामाजी को जल्दी से अपने कमरे में ले जाओ, संभाल के। जी। आवाज सुन रही हैं आप? आवाज? कौन सी आवाज? उस दिन भी आप किसी आवाज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। मगर मुझे सुनाई दे रही है, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। बहन जी, क्या कोई ऐसी चीज है छाया की हो या उससे संबंधित हो? छाया की? उसकी कोई तस्वीरें थी जो अश्विन ने घर से निकाल दी हैं। हाँ, उसकी एक अंगूठी भी है। अंगूठी? अश्विन की सगाई पर छाया ने उसे पहनाई थी, और कुछ ही दिन हुए उसने उतार कर अलमारी में रख दी। क्या उस अंगूठी को आप मुझे दिखा सकती हैं? क्यों नहीं, प्लीज। चलिए आइए। जी, क्या बात है? ये अलमारी नहीं खुल रही है। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। क्या वो माँ जी? बेटा, ये अलमारी नहीं खुल रही। मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, पूजा बेटे तुम छोड़ दो बेटा, ये तुमसे नहीं खुलेगी, मैं कोशिश करता हूं। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम्
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंगूठी कहाँ है? वो उस ड्रॉअर में है। सब मेरे बेटे का क्या होगा? पिताजी ये सब क्या हो रहा है? मेरे अश्विन को बचा लीजिए। घबराइए मत बहन जी, जब कारण का पता चल गया है तो विश्वास कीजिए मां दुर्गा की कृपा से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं आज ही पूजा को लेकर मां दुर्गा की शरण में जा रहा हूं, अब तो उसी का सहारा है। मगर बहन जी, जब तक पूजा वापस ना आ जाए आप अश्विन के पास ही रहिएगा। जी पिताजी, मेरे अश्विन को बचा लीजिए। तेरे अश्विन को कुछ नहीं होगा बेटे, मैं तेरे सुहाग पर आंच भी नहीं आने दूंगा। पूजा बेटी, इस समय मैं तुमसे जो भी कुछ कहूं उसे बहुत गौर से सुनना, और जो कुछ करने को कहूं बेटा उसे बहुत ध्यान से करना। मुझे अपना मंगलसूत्र दो बेटी। मंगलसूत्र? मां के आशीर्वाद के लिए दो बेटा, दो। ये लो पूजा बेटी, इसे पहन लो। पूजा बेटी, ये मंगलसूत्र उस आत्मा से लड़ने के लिए तुम्हारी शक्ति है। बेटी, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं है, इसमें पिरोए हुए काले मन के एक स्त्री के सुहाग को बचाने की, उसकी रक्षा करने की पूरी ताकत पूरी क्षमता रखते हैं। बेटे, एक पति अपनी पत्नी के गले में इस मंगलसूत्र को
सुहाग की निशानी के रूप में डालता है। परंतु यही मंगलसूत्र अपने पति की रक्षा के लिए एक शस्त्र बन जाता है। और यही शस्त्र तुम्हारे पति की रक्षा करेगा। बेटी, तुम्हें अपने विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत बनाना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो छाया की आत्मा तुम्हारे पति को तुमसे छीन कर ले जाएगी। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस बेटी बस, मुझे तुमसे यही सुनना था। देखो पूजा बेटी, इस पावन मंगलसूत्र को एक पल के लिए भी अपने गले से दूर मत होने देना, और अपने अश्विन को एक क्षण के लिए भी अपनी नजरों से दूर मत होने देना। बेटी, इस देश का इतिहास पतिव्रता नारियों की साहस भरी गाथाओं से भरा पड़ा है। यह वही देश है बेटी, जहां सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। फिर तुम्हारा सामना तो एक साधारण सी स्त्री छाया की आत्मा से है। पिताजी, मैं लड़ूंगी। अश्विन को बचाने के लिए मैं आत्मा से तो क्या, मौत से भी लड़ जाऊंगी। पूजा, तो मेरे लिए सब क्यों कर रही हो? पूजा, ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे लड़ने दो। तुम मेरे लिए अपनी जान को क्यों जोखिम में डाल रही हो पूजा? अश्विन, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, साथ जीने का वचन दिया है, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा है, तुम्हारे नाम का ये मंगलसूत्र पहना है। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम मेरा सुहाग हो, मेरी जान हो। अब यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। किसी ने मेरे सुहाग को ललकारा है, मेरी मां का सिंदूर नोच डालने की धमकी दी है, मेरे प्राणों को मेरे शरीर से अलग करने का ऐलान किया है। अब मैं इस लड़ाई से कैसे हट सकती हूं? अश्विन, मेरे जीते जी तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। अश्विन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैंने हमेशा उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। मेरे जीते जी किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की, और अभी मैं उसे किसी को छूने नहीं दूंगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नहीं, अश्विन तुम्हारा था, अब वो मेरा पति है, मेरा सुहाग है। नहीं, उसका कोई संबंध नहीं हो सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि उसने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। उसने सिर्फ प्यार मुझसे किया है, सिर्फ मुझसे। सगाई की अंगूठी पहनाते वक्त मैंने उसे कहा था कि अब वो ऐसे बंधन में बन गया है जिससे वो कभी आजाद नहीं हो सकता, ना ही मेरे जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। अश्विन, 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 हे भगवान, आखिर तुम चाहती क्या हो हमसे? अश्विन, अश्विन, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोड़ दो क्यों नहीं हमें? छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। अश्विन, हे भगवान, इतना तेज बुखार। अश्विन,
होगा अश्विन, अश्विन कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ अश्विन। चुप बैठो तुम, चुप बैठो, चले जाओ यहाँ से। अश्विन, अश्विन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सूत्र का सहारा लेती है, कभी तो इसे उतारेगी, जिस दिन तो इसे उतारेगी मैं अपने अश्विन को तुझसे छीन लूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, आखिर तुम चाहते क्या हो? तू हमारे बीच में से हट जा। मैं कैसे हट सकती हूँ, मेरी इनसे शादी हुई है। तुझे ये शादी का बंधन तोड़ना होगा। अपने जीते जी मैं ये बंधन नहीं तोड़ सकती। अगर जीते जी ये बंधन नहीं तोड़ सकती तो मर के तोड़ दे। अगर मैं मर जाऊं तब तो चैन से जीने दोगी ना मेरे अश्विन को? अगर तुम मर गई तो उसे मैं मुक्त कर दूंगी। पूजा, नहीं पूजा, तुम इसकी बातों में मत आना पूजा। अश्विन, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए एक जान तो क्या हजारों जान कुर्बान कर सकती हूँ, और यही इस रिश्ते की मर्यादा है। पूजा, पूजा तुम इसकी बातों में क्यों आ रही हो? पूजा सुनो, पूजा रुको, पूजा, पूजा मेरी बात सुनो, पूजा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पूजा रुक जा अश्विन, रुक जा, अब उसके बढ़ते हुए कदम उसे मरने से नहीं रोक सकते। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना छाया? मैं भी पहले ही सोचता था, लेकिन मैं गलत सोचता था। तुम झूठ बोलती हो छाया, तुम किसी से प्यार नहीं करती। नहीं अश्विन। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी छाया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कोई नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी मझधार में बिना पतवार की कश्ती की तरह डूब रही थी छाया। तब उस अनजान लड़की ने इस कश्ती को डूबने से बचाया, उसे बचाया जो उससे नहीं तुझसे प्यार करता था। आज वह लड़की तेरे प्यार को जिंदा रखने के लिए मौत को गले लगाने चली गई छाया। तू कहती है कि तू मुझसे प्यार करती है, हा? कैसा प्यार है तेरा, जिससे प्यार करती है उसे ही मार डालना चाहती है। आज मैं तुझसे एक बात कहता हूँ छाया, तू प्यार के काबिल ही नहीं है। आई हेट यू छाया, आई हेट यू। पूजा, पूजा, रुक जा पूजा, पूजा रुक जा, रुक जा पूजा, बच्चा तुम यहां
यहाँ क्यों आई हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे मरने क्यों नहीं देती तुम? मुझे मर जाने दो। तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं पूजा, कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। अगर मैं तुम दोनों के बीच से हट जाऊं तो अश्विन सलामत रहेगा। नहीं पूजा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अश्विन भी सलामत नहीं रहेगा। वो मुझे नहीं तुम्हें चाहता, उसे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है पूजा। ये तुम कह रही हो? हाँ पूजा, ये मैं कह रही हूं, क्योंकि आज मैंने इस प्यार का मतलब समझा, जाना। मेरे प्यार की कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी पूजा। मैंने आज इस मंगलसूत्र का महत्व जाना पूजा। ये केवल सूत का धागा नहीं है, ये आस्था का वो कवच है जिसमें बहुत शक्ति है। मैं वचन देती हूं कि आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। चाहो खुश रहो। पूजा, पूजा मेरी बात सुनो, पूजा पूजा मुझे छोड़ कर मत जा। पूजा, अश्विन, पूजा सुनो, पूजा 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 मेरी बात सुनो। जाओ पूजा, जाओ। अश्विन, 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 पूजा मेरे पास आ, पूजा, पूजा, पूजा। हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? मुझे छोड़ के मत जा पूजा, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। पूजा